सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तू, बस इंतजार ही करते रह जाओगे। हिम्मत करो, खुद उठो और सब कुछ ठीक करो। जहाँ संवाद ना हो वह संबंध व्यर्थ है और जहाँ विश्वास ना हो वहाँ आगे बढ़ना ही व्यर्थ है। घर के अंदर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले जाओ क्योंकि वहाँ एक परिवार है। आज का पंचांग 2 मार्च 2021 दिन मंगलवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 2:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:29 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:33 से 4:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:14 से 1:02 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:29 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 2 मार्च 2021 दिन मंगलवार, इस बात के लिए अधिक सोच विचार ना करें कि अप्रत्याशित घटनाएं क्यों हो रही हैं या बहुत देर क्यों हो रही है या आपके भले के लिए हो सकता है जिसके फायदे अभी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ नया प्रयोग करें, इससे आपको भी अपने रोजमर्रा के नियमित कार्यक्रम से थोड़ी राहत मिलेगी। अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं को जागृत करने का उचित समय है। घर और समाज में आप अपनी किसी विशेष उपलब्धि की वजह से सम्मानित होंगे। इस समय किसी महत्वपूर्ण यात्रा संबंधित योग भी बन रहे हैं। काम से संबंधित बातों में प्रगति नजर आएगी। आपको मिल रहे अवसर का ध्यान रखना होगा। परिवार के सभी सदस्यों से संबंधित कुछ न कुछ प्रगति आज आपको नजर आएगी। जिस बात को सीखने के लिए कोशिश आपके द्वारा की जा रही थी उसी से संबंधित आपको योग्य मार्ग और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। यदि काम से संबंधित किसी के साथ मतभेद हो रहे हैं तो उसकी भी बातों को जानने की कोशिश करनी होगी। पार्टनर के प्रगति से आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। सावधानियां, कुछ लोग आपकी कामयाबी की वजह से जलन की भावना रख सकते हैं, लेकिन सबको नजरअंदाज अपने कार्यों के प्रति प्रयासरत रहें, अपने स्वभाव में सहजता बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। व्यस्तता की वजह से घर में अधिक समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन घर का वातावरण सुखमय और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। आप दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो जिंदगी और प्यार के बारे में दुनिया भर की बातें करता है। आपकी किस्मत अच्छी है, इस आदमी के साथ आपका रिश्ता जिंदगी भर के लिए बन सकता है। इस आदमी से अधिक मिलने की योजना बनाएं और जब भी जरूरत हो इसकी मदद लेने में ना हिचकिचाएं। बात करते हैं करियर की। आपके कार्य स्थल पर कोई अपने घमंड में अपनी उपलब्धियों को गिरा सकता है, परंतु आप बुरा ना माने क्योंकि वह आपको बुरा महसूस कराना चाहता है। आपने इस अनुपात में पहले ही इन उपलब्धियों को छुआ है। वित्तीय मोर्चे पर आपको पहले ही आपकी जरूरत या उससे ज्यादा ही मिला है जिसे आप संजोकर रख सकते हैं। मीडिया और ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े व्यवसाय अधिक सफल रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको कुछ अधिक सफलता प्राप्त होगी। समय अनुकूल है, इसका उचित
सदुपयोग करें। नौकरी पेशा व्यक्ति कंप्यूटर संबंधित कार्य करते समय सावधानी बरतें। बात करते हैं सेहत की। आपकी अत्यधिक व्यस्त दिनचर्या आपको स्वास्थ्य और फिटनेस संबंधित किसी भी काम को गंभीरता पूर्वक करने की राह में रोड़ा बनी हुई है। वैसे तो आप अपनी भोजन को लेकर जागरूक रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से आप अपने काम में उलझे होने के कारण जंक फूड खा रहे हैं। हालांकि काम का दबाव अभी हल्का होने वाला नहीं है, तब भी आपको अपने स्वास्थ्य की खातिर आराम करने और स्वास्थ्यकर भोजन करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप हनुमान मंदिर में गेहूँ चढ़ाए शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।